गुड मॉर्निंग गर्ल्स, आज हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट, नीड, इम्पोर्टेंस और स्कोप। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि साइकोलॉजी क्या होता है। देखो, साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम लोगों के सिर्फ ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, तो इसलिए हम इसे ब्रीफली थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, साइकोलॉजी क्या होता है? साइकोलॉजी पहली बात तो ग्रीक वर्ड के दो वर्ड, साइको और लोगस, दो वर्ड से बना है। साइको का मतलब है सोल, लोगस का मतलब है साइंस। ठीक है, और साइकोलॉजी को डिफाइन किया जाता है साइंस ऑफ सोल, ठीक है, विज्ञान की आत्मा। जो पहले के साइकोलॉजिस्ट थे वो ये कहते हैं कि साइकोलॉजी के जो काम है वो है प्रकृति का अध्ययन करना। ठीक है, प्रकृति का उद्भव क्यों हुआ, प्रकृति क्यों बनाई गई, ठीक है, आदमी क्यों बनाया गया, लोग क्यों बनाए गए, किस लिए, क्या करना है, क्या उनके लक्ष्य हैं, ये सब देखने के लिए, ये सब डिसाइड करने के लिए साइकोलॉजी, मतलब ये सब डिसाइड करना जो भी है, इसकी स्टडी है, इसको साइकोलॉजी बोला गया है। ठीक है, सबसे पहले साइकोलॉजी डिफाइन किया गया था साइंस ऑफ सोल में। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं बट सोल समथिंग मेटाफिजिक्स। सोल क्या है, आत्मा क्या है? आत्मा है आध्यात्मिक। ठीक है, आत्मा को हम भगवान से जोड़ के देखते हैं। इट कैन नॉट बी सीन, ये कभी देखी नहीं जा सकती, ऑब्जर्व नहीं की जा सकती, टच नहीं की जा सकती, और हम इस पे कोई भी साइंस के एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। 18th सेंचुरी में साइकोलॉजी को अंडरस्टूड किया गया था साइंस ऑफ माइंड में। ठीक है, विलियम जेम्स ने 1892 में डिफाइन किया कि साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट डिफाइन साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, जो पहले, मतलब विलियम जेम्स है, उन्होंने कहा है साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेस, जो भी मानसिक क्रियाएं होती हैं वो साइकोलॉजी है। ठीक है, लेकिन मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि साइकोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होती है, आत्मचेतना। मतलब हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं बाहर जाती हूँ, अपने दोस्तों के साथ रहती हूँ। ठीक है, मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि तुम ये कपड़े मत पहनो, इनमें अच्छी लगोगी, या ऐसे काम मत करो, ऐसे मत बोला करो, अपफ्रंट होके अच्छा नहीं लगता। मैं धीरे 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 जब उनकी बातें सुनती हूँ, मैंने अपने में चेंजेस लाए। चेंजेस लाने के बाद मैंने अपना बिहेवियर चेंज किया अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू उनकी नजर में। ठीक है, अपने फ्रेंड्स की नजर में, क्योंकि मे बी वो सही कह रहे थे। जो वो मैंने सब कुछ चेंजेस किया, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाया, वो होती है कॉन्शियसनेस, आत्मचेतना, कि हम कितना खुद को देख रहे हैं, खुद को अपना परिवर्तन कर रहे हैं। उसी को हम पर्सनालिटी भी बोलते हैं, जो भी हम अपनी अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं, वो एक टाइम पे पर्सनालिटी बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बात हो रही है, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब आत्मचेतना का विज्ञान। ठीक है, जेम्स सोले कहते हैं साइंस ऑफ इनर वर्ल्ड, जो हमारी अंतरात्मा है, जो हमारा अंदर का संसार है, उसका विज्ञान है, वो है साइकोलॉजी। ठीक है, विलियम वुंड कहते हैं साइकोलॉजी साइंस विच स्टडीज द इंटरनल एक्सपीरियंस, जो भी हमारे अंदर के, मतलब हमने कोई काम किया वो सही नहीं हुआ, हमने उसको सुधारा और हमें एक्सपीरियंस मिला कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे हम खुद भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और दूसरे लोग भी हमसे दुखी होते हैं, तो हम वो नहीं करेंगे, दैट इज इनर साइंस। ठीक है, विलियम मैकडोगल बोलते हैं साइकोलॉजी को साइंस ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का विज्ञान। पिल्सबरी बोलते हैं और जेबी वाटसन दोनों कहते हैं कि साइंस ऑफ बिहेवियर ये भी क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। देखो, इतनी मैंने तीन चार दी है, इसमें से तुम दो तीन कवर कर लोगे तो बहुत है साइकोलॉजी की डेफिनेशन। देखो, बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर हमारी ओवरट एक्टिविटीज है जो ऑब्जर्व की जाती है, मेजर की जाती है साइंटिफिकली। जैसे कि क्लास में हम तुम्हें मार्क्स देते हैं तुम्हारे बिहेवियर के ऊपर, ठीक है, 5-10 मार्क्स डिसिप्लिन के होते हैं, 5-10 मार्क्स क्लास में कैसे बिहेव करते हो उसके होते हैं, 5-10 मार्क्स तुम्हारे टेस्ट के होते हैं, ये सब क्या है, आउटर बिहेवियर। बट वंस बिहेवियर इज ऑलवेज इन्फ्लुएंस बाय द एक्सपीरियंस, लेकिन हर किसी का बिहेवियर किस चीज से प्रभावित होता है, उसके अनुभवों से, उसके एक्सपीरियंसेस से। इसीलिए वी स्टडी वंस बिहेवियर, वी मस्ट ऑल्सो स्टडी हिज एक्सपीरियंस। जिसके भी हमें किसी के बिहेवियर को स्टडी करना हो तो हमें उसके एक्सपीरियंसेस को भी स्टडी करना होगा। ठीक है, साइकोलॉजी को बीएफ स्किनर कहते हैं कि साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस ऑन ह्यूमन बींग्स, जो भी व्यवहार का विज्ञान है और ह्यूमन बींग्स के ऊपर जो एक्सपीरियंसेस किए गए हैं। ठीक है, जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं उसके बाद जो भी काम करते हैं वो क्या है, साइकोलॉजी। क्रो एंड क्रो कहता है साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। अब तुम ये सब पढ़ के तुम्हें समझ आ रहा होगा कि साइकोलॉजी क्या है, मेनली बिहेवियर का जो साइंस है, मतलब बिहेवियर की जो स्टडी करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर एक्सपीरियंसेस की स्टडी करते हैं, वो सब क्या है, साइकोलॉजी।
अब हमारे देखो साइकोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी अलग है, एजुकेशन साइकोलॉजी अलग है, साइंस साइकोलॉजी अलग है, हर साइकोलॉजी अलग है, लेकिन हमें सिर्फ क्या डिस्कस करना है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी साइकोलॉजी की ब्रांच है दो जो साइकोलॉजी ने ढूंढी है, मतलब मनोविज्ञान ने, शैक्षिक मनोविज्ञान ढूंढा है। चार्ल्स ए स्किनर के अकॉर्डिंग क्या है एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन एजुकेशनल सिचुएशंस। शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है, शैक्षिक मनोविज्ञान वो है जो व्यक्ति के व्यवहार को उसकी शिक्षा में, मतलब एक बच्चा अपनी शिक्षा में, अपनी पढ़ाई में किस तरीके का व्यवहार करता है, वो जो भी हम देखेंगे, वो जो भी हम सीखेंगे, वो जो भी हम अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, वो क्या है, एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी बिहेवियर है साइंस का, जो टू मेन डिफरेंसेस में है, ह्यूमन बिहेवियर और एजुकेशन। बहुत सीधी सी बात है, एजुकेशन में बच्चे का क्या दिमाग लग रहा है वो एजुकेशन साइकोलॉजी है। ईएपी कहते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं बहुत बार। एजुकेशन बाय ऑल मीन्स इज एन अटेम्प्ट टू मोल्ड एंड शेप बिहेवियर ऑफ द पीपल। एजुकेशन क्या है कि वो पीपल के बिहेवियर को मोल्ड करती है, शेप करती है। एक अनपढ़ व्यक्ति होता है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, ज्यादा अच्छे से बिहेव या ज्यादा अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करना किसको आता है, पढ़े लिखे व्यक्ति को। ठीक है, तो ये क्या है, एजुकेशन साइकोलॉजी है। एजुकेशन है मतलब एजुकेशन के कारण ही एक व्यक्ति अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना सीखता है। इट एम्स टू प्रोड्यूस डिजायरेबल चेंजेस इन हिम और फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनालिटी। एजुकेशन का क्या एम होता है कि एक व्यक्ति में जो भी चेंजेस चाहिए वो लाए और उनका सर्वांगीण विकास करे, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, मोरल, हर तरीके का विकास करे। ठीक है, द एसेंशियल नॉलेज एंड स्किल्स टू हिज दिस जॉब सेटिस्फैक्ट्री इज सप्लाइड बाय एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब एजुकेशन साइकोलॉजी में क्या होता है, एजुकेशन साइकोलॉजी क्या बताती है, एजुकेशन साइकोलॉजी जरूरी ज्ञान देती है, कौशल प्रदान करती है, स्किल्स देती है अपनी जॉब को सेटिस्फेक्ट्री करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मैं तुम्हें सीडी पढ़ा रही हूँ। सीडी पढ़ाने में क्या होता है, तुम्हें पता लग रहा है कि बच्चों के साथ मुझे डील कैसे करना है, बच्चे किस तरीके से कब काम करते हैं, कौन सी एज में बच्चा क्या काम करता है, अलग अलग थ्योरीज पढ़ रहे हैं, वो सब हमें क्या सिखा रहा है, एजुकेशन साइकोलॉजी। इन द वर्ड्स ऑफ पीएएल के वर्ड्स में एजुकेशन साइकोलॉजी हमें हेल्प करती है, टीचर को हेल्प करती है ये समझने के लिए कि जो बच्चा है वो किस रेंज का है, उसकी क्या लिमिट है, उसकी क्या कैपेसिटीज हैं, वो क्या काम कर सकता है, उसको क्या नहीं कर सकता, क्लास में किस तरीके का बिहेव कर रहा है, वो क्यों मार्क्स कम ला रहा है, क्यों नहीं, क्यों ज्यादा नहीं ला रहा है, ये सब कारण हम कैसे देख सकते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी से। इसी तरीके से द वर्क ऑफ द एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट रिजेंबल्स दैट With that of an engineer who is a technical expert, the engineer supplies all the knowledge and skills essential for a accomplishment of the job satisfactory. For example, construction of a bridge. अब same है ये कि एक engineer है, engineer ने कौन से skills सीखी हैं जो उसे अपने काम में काम को अच्छे से करने में उसको help करेंगी। ठीक है, जैसे कि construction of a bridge. Same way में education psychologist कहते हैं who is a technical expert in the field of education supplies all the information principles and techniques essential for understand the behavior of the people, responses to education environment and desired modification of this behavior to bring all on development of this personality. Education psychologist कहते हैं जो भी technical expert होगा education में वो information send करेगा। ठीक है, लोग मैं हूँ main education इसमें क्या बता रहा है education psychologist। ठीक है, मैं हूँ as a teacher, मैं भी education psychologist में ही आऊंगी क्योंकि मैं तुम्हें ज्ञान दे रही हूँ, मैं तुम्हें skills सिखा रही हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाना सिखा रही हूँ, मैं तुम्हें एक सब्जेक्ट की नॉलेज दे रही हूँ, दैट इज ऑल अबाउट एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है, और तुम्हारे डेवलपमेंट में भी हेल्प करती हूँ। इन दिस वे इट इज क्वाइट रीजनेबल टू कॉल एजुकेशन साइकोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एजुकेशन। इसीलिए ही कि ये भी रीजन है कि हम एजुकेशन साइकोलॉजी को साइंस मतलब विज्ञान और शिक्षा का तकनीक भी कहते हैं, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं। अब एजुकेशन साइकोलॉजी कंसर्न प्राइमरली एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग दैट टेक प्लेस विद इन फॉर्मल एनवायरनमेंट एंड डेवलपिंग। अब एजुकेशन साइकोलॉजी हम कहाँ सीखते हैं, एजुकेशन हम कहाँ लेते हैं, फॉर्मल एनवायरनमेंट में लेते हैं, हम स्कूल वगैरह में लेते हैं, मेथड्स को हम अलग अलग मेथड्स को अपनाते हैं, और हम क्या क्या कवर करते हैं फॉर्मल जगह पे, लर्निंग थ्योरीज,
टीचिंग मेथड्स, मोटिवेशन, कॉग्निटिव इमोशन, मोरल डेवलपमेंट एंड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ये सब कुछ हम कहाँ गेट करते हैं? फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में. In short, it is a scientific discipline that addresses the question, why do some students learn more than others and what can be done to improve the learning. So, hum kya keh sakte hain scientific discipline kya hai ab education psychology ka, ki education psychology ke karan hi to tum pata paoge ki class mein kaun bachcha zyada acha hai, koi bachcha acha kyun nahi ho pa raha hai, koi bachcha acha kaise ho sakta hai, ye sab tum bataoge. Koi learn kam kaise kar raha hai, koi learn zyada kaise kar sakta hai, ye sab education psychology se hi nikalta hai. Ab nature of education psychology, मतलब इसकी प्रकृति क्या है. एजुकेशन साइकोलॉजी इज अ साइंस, ये हमने पढ़ लिया कि ये एक साइंस है. एजुकेशन साइकोलॉजी इज अ नेचुरल साइंस, ये एक नेचुरल साइंस भी है, प्राकृतिक विज्ञान भी है. क्यों? क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन होते हैं, डाटा गैदर करते हैं, रिसर्चेस देखते हैं हम, ठीक है. एजुकेशन साइकोलॉजी इज सोशल साइंस, तुम्हें इसमें ना एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पॉइंट लिख देना एजुकेशन साइकोलॉजी साइंस, एजुकेशन साइकोलॉजी इज अ नेचुरल साइंस, एजुकेशन साइकोलॉजी इज अ सोशल साइंस, एजुकेशन साइकोलॉजी इज अ पॉजिटिव साइंस, एजुकेशन साइकोलॉजी इज एन अप्लाइड साइंस, ठीक है. और देखो, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा है कि टीचर के लिए क्यों नीड है एजुकेशन साइकोलॉजी की, टीचर को कैसे हेल्प करती है, तो वो हमारा आ जाएगा, तुम्हारे में आगे आएगा. पहले ये देखो स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी. स्कोप में क्या है? लर्नर के लिए स्कोप है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है, लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग सिचुएशन और एनवायरमेंट और द टीचर. पहला पढ़ते हैं द लर्नर. द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इज नेटेड अराउंड द लर्नर. जो भी सब्जेक्ट मैटर है वो किसके अराउंड बनाते हैं हम? लर्नर के अकॉर्डिंग. जो भी करिकुलम डेवलप होता है, जब फर्स्ट क्लास के लिए होता है, तो हम उसकी एज देखते हैं बच्चे की, बच्चे का लेवल देखते हैं, और उसके बाद ही हम करिकुलम डेवलप करते हैं कि एक नॉर्मल बच्चा, एक एवरेज बच्चा और एक हाई लेवल का क्रिएटिव बच्चा या फर्स्ट आने वाला बच्चा भी उस करिकुलम को अच्छे से कर सके, ठीक है. लर्निंग एक्सपीरियंसेस, लर्निंग एक्सपीरियंस में क्या? एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प्स इन डिसाइडिंग दैट व्हाट लर्निंग एक्सपीरियंस आर डिजायरेबल एट व्हाट स्टेज ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर, सो दैट दीज एक्सपीरियंसेस कैन बी एक्वायर्ड विद अ ग्रेटर इजी एंड सेटिस्फेक्शन. अब क्या है, जब भी हम तुम्हें कहते हैं लर्निंग एक्सपीरियंस से पढ़ाना बहुत ईजी होता है, प्रीवियस नॉलेज को हम बताते हैं जब हम पढ़ाने जाते हैं, तो ये क्या है, उनके जो एक्सपीरियंसेज है उसी को हम उसमें नए टॉपिक में इंडल्ज करते हैं ताकि बच्चे अच्छे से इफेक्टिवली लर्न कर सकें, ठीक है. नेक्स्ट आता है लर्निंग प्रोसेस. After knowing the learner and deciding what learning expectations are to be provided, experiences are to be provided, education psychology moves on to the laws, principles and theories of learning. Other times in the learning process, अब learning process क्या नहीं चाहिए? Learning process education psychology में learning process का मतलब ये है कि तुम किस तरीके से अपना काम करोगे. सबसे पहले तुम क्या बताओगे, फिर क्या बताओगे, पहले हम concept बताएंगे, फिर हम characteristics बताएंगे, फिर हम principles बताएंगे, that is learning process. Learning situation और environment. अब इसमें क्या है, लर्निंग सिचुएशन हमारे पास इस तरीके की होनी चाहिए, टेक्निक्स होनी चाहिए, फैसिलिटीज होनी चाहिए कि बच्चे का जो भी लर्न करना है या जहां हमें पढ़ाना है वहां पे अच्छी तरीके से सारी फैसिलिटीज हो ताकि बच्चे का अच्छे से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो सके. टीचर, टीचर के लिए क्यों जरूरी है? द टीचर इज अ प्रोटेंट फोर्स इज एनी स्कीम ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस. इट डिस्कसेस द रोल ऑफ टीचर, इट एम्फसाइजेस द नीड ऑफ नोइंग थाइसेल्फ फॉर अ टीचर टू प्ले दिस रोल प्रॉपरली इन प्रोसेस ऑफ एजुकेशन. इज कॉन्सेप्ट मोटिवेशन एंजाइटी. टीचर क्या करती है, जब भी क्लास में कोई प्रॉब्लम होती है, जब भी कोई बच्चा परेशान हो रहा है, जब भी कोई बच्चा देर से आता है, जब भी कोई बच्चा लेट आ रहा है, एबसेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो टीचर आके जो भी प्रॉब्लम होंगी वो तुम्हारी सॉर्ट आउट करती है, ठीक है. तो टीचर का बहुत मेन रोल हो जाता है इसमें. उसके बाद इट इज स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर. जो साइकोलॉजी है वो क्या पढ़ाती है, ह्यूमन बिहेवियर को समझाती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझाती है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट को देखती है, ठीक है. नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, ये सब इसमें नेचर में आ जाएंगे, और नेचर तुम 6-7 लिख लेना काफी है, ठीक है. अब इम्पोर्टेंस, सबसे पहले इम्पोर्टेंस है, इट इन्फॉर्म्स द टीचर अबाउट द नेचर ऑफ द लर्नर्स एंड पोटेंशियलिटीज. ये क्या हेल्प करती है टीचर का, बच्चों की पोटेंशियलिटी को जानने के लिए, लर्नर की नेचर को जानने के लिए. ये टीचर को हेल्प करती है स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप बनाने के लिए, ठीक है. ये कहती है कि जो बच्चा है, जो टीचर है, वो गाइड होना चाहिए, एज अ फ्रेंड होना चाहिए, बच्चे के ऊपर ज्यादा मतलब डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए,
ठीक है, उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखती है बच्चों के एजुकेशन साइकोलॉजी, बच्चों की के लिए अच्छे से अच्छी टेक्निक को यूज करने पे एम्फेसिस करती है, और एजुकेशन साइकोलॉजी और टीचर्स इम्पॉर्टेंस इसमें नीचे पढ़ रहे हैं टीचर्स और एजुकेशन साइकोलॉजी की। फर्स्ट एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प टीचर टू नो द लर्नर टेक प्लेस, लर्निंग टेक प्लेस, कैसे पढ़ाना है, कैसे बच्चों को सिखाना है, ठीक है। सेकेंड है कि कैसे बच्चों को मोटिवेट करना है, कैसे बच्चों को लर्न कराना है, कैसे बच्चों को मेमोराइज कराना है, लर्निंग प्रोसेस कैसी हो, मतलब ऐसी हो कि सबसे बेस्ट हो, ठीक है। उसके बाद ये टीचर को गाइड करती है, ये हेल्प करती है टीचर को कि बच्चों को गाइड करे सही डायरेक्शन के लिए, ठीक है, स्टूडेंट्स की एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसे गाइड करे। अगर कोई बच्चा तुम्हारी क्लास में एकेडमिक में नंबर नहीं ला पा रहा है लेकिन वो को करिकुलर एक्टिविटीज में अच्छा है, आर्ट में अच्छा है, डांस में अच्छा है, सिंगिंग में अच्छा है, तो उसको उसी तरीके से गाइड किया जाए, ठीक है। उसके बाद आता है लर्निंग करने के लिए बच्चों के लिए जो मेथडोलॉजी इंपॉर्टेंट है, जो मेथड अच्छा है, जिस मेथड से बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं उन मेथड्स को टीचर ऑप्ट करे, ये सिखाती है। उसके बाद ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कम कर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखते हुए मेथड्स को ऑप्ट करके पढ़ाने पे बल देती है, और सेकंड थिंग ये कहती है कि सबको इंक्लूसिव एजुकेशन देने पे प्रेफर करती है, ठीक है। उसके बाद टीचिंग और लर्निंग एक्सपीरियंस, जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हुई है वो किस तरीके से, कितने अच्छे तरीके से अचीव की गई है, उसके लिए वैल्यूएशन पे जोर देती है। बच्चों की प्रॉब्लम्स टीचर सॉल्व करे इस चीज पे फोर्स करती है, एम्फसाइज करती है। इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी फॉर टीचर्स, अब टीचर्स के लिए साइकोलॉजी कैसे इम्पोर्टेंट है। टीचर इज लाइक फिलोसोफर हु गाइड स्टूडेंट, तो टीचर एक फिलोसोफर है जो बच्चों को गाइड करता है। ही इज रेस्पॉन्सिबल टू बी अवेयर अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, उसको वो एक जिम्मेदार आदमी है कि उसको ये पता हो कि बच्चों का ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होना है। इट इज एजुकेशन साइकोलॉजी विच एनेबल्स द टीचर टू यूज वेरियस टेक्निक्स, ये शैक्षिक मनोविज्ञान ही है जो एनेबल करता है टीचर को कि वो कैसे अलग अलग टेक्निक से बच्चों को पढ़ाए या यूज करे। द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी फॉर टीचर्स, टीचर्स के लिए एजुकेशन साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है। एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प टीचर्स टू नो हाउ लर्निंग टेक प्लेस, कैसे लर्निंग करनी है, लर्निंग प्रोसेस इनिशिएटिव मोटिवेट बनानी है टीचर्स और स्टूडेंट्स को, डायरेक्शन में स्टूडेंट्स की एबिलिटी को देखना है, स्टूडेंट की एबिलिटीज को सही दिशा में ले जाना है। ये शायद ऊपर हमारा हो चुका है तो इसको तुम डबल बार ना करके एक ही बार करना और लैंग्वेज चेंज कर देना, ठीक है। कंक्लूजन में आ जाएगा हमारा, अब हम कंक्लूड करते हैं कि एजुकेशन साइकोलॉजी इज नैरोअर इन स्कोप देन जनरल साइकोलॉजी, जनरल साइकोलॉजी से छोटी मतलब कम स्कोप है एजुकेशन साइकोलॉजी का। विद जनरल साइकोलॉजी डील्स विद बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल इन अ जनरल वे, जो जनरल साइकोलॉजी है वो इंडिविजुअल के व्यवहार को जनरली जज करती है। एजुकेशन साइकोलॉजी सिर्फ लर्नर को मतलब लर्नर को फोकस करके काम करती है, और जनरल साइकोलॉजी हर ह्यूमन बिहेवियर का देखती है, लेकिन इसमें हम लर्नर सेंटर्ड करते हैं क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। कोई पॉइंट ना समझ आया हो तो प्लीज मुझसे शेयर करना, मुझे बताना। थैंक यू सो मच।